तो बच्चों अब हम लोग व्यंजन संधि के प्रमुख सूत्रों की चर्चा करेंगे। देखो व्यंजन संधि का जो पहला प्रमुख सूत्र है उसकी चर्चा हम लोग करें। पहला सूत्र कहता है किसी वर्ग का पहला वर्ण प्लस कोई स्वर तब पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कक्षा के आरंभ में कह दिया था कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। यहां कहता है कि पहले स्थान पर जो वर्ण आएगा वह किसी वर्ग का, पांच वर्ण है, सवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, इन पांचों वर्णों, इन पांचों वर्गों में से अगर पहला वर्ण यानी कवर्ग का क, चवर्ग का च, टवर्ग का ट, तवर्ग का त, पवर्ग का प, यानी क च ट त प में से कोई अगर पहले स्थान पर रहे और दूसरे स्थान पर कोई स्वर, मैंने आपको आरंभ में कह दिया था स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो कोई स्वर रहे, एकदम बिल्कुल स्पष्ट सूत्र है, पहले स्थान पर पांचों वर्ण का पहला वर्ण अगर रहे, यानी कि क के स्थान पर च रहे, ट रहे, त रहे, प रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहां कुछ भी रहे स्वर वर्ण में से कोई भी, तब पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, जैसे कवर्ग का क तो तीसरा पर क्या आएगा, क ख ग, चवर्ग का पहला च तीसरा च छ ज, टवर्ग का पहला क फ द, टवर्ग क फ द और पवर्ग का क्या क फ प, यानी जो तीसरे स्थान पर जो वर्ण है वह चला आएगा पहले के स्थान पर। जैसे इसको समझे दिक जोड़ अंबर, यहाँ सूत्र क्या है, यहाँ इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, कवर्ग का पहला है और यह क्या है अस्वर वर्ण है, यानी किसी वर्ग का पहला वर्ण कोई स्वर, यानी इस सूत्र को इस बात को यह फॉलो कर रहा है। अब क्या कहा इज इक्वल टू पहले वर्ण के स्थान पर, मतलब क के स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण चला आएगा, मतलब क ख ग, देखो आगे ग और अंबर तो है ही, अंबर तो है ही, यह बात मैं समझता हूं स्पष्ट हो चुका होगा। पुनः एक बार याद रखिए कि यदि पहले स्थान पर किसी वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरे स्थान पर कोई स्वर वर्ण हो तो पहले स्थान पर उसी वर्ग का हमको ध्यान रखना होगा कि किस वर्ग का पहला वर्ण है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण इसके स्थान पर पहले के स्थान पर चला जाएगा, दिग जोड़ंबर दिगंबर। दूसरा जगत जोड़ी, अब देखिए कवर्ग का तो पहला है और दीर्घ ही है स्वर वर्ण, तो क्या कहा कि इसका तीसरा यानी त थ द, स्पष्ट है सत जो रूप देश, अब देखो तवर्ग का त और हर दु है तो क्या होगा त थ द चलाएगा सदुपदेश। तो यह पहला सूत्र है जो हमें मस्तिष्क में रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आपको विच्छेद करके दे और कहे इसका संधि करो, इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा कि पहले स्थान पर किस वर्ग का वर्ण है और दूसरे स्थान पर कौन स्वर है, आपको केवल देखना है कि दूसरे स्थान पर कौन स्वर वर्ण है और जिस वर्ग का पहला है उसी का तीसरा उसी के स्थान पर चला। दूसरा प्रमुख सूत्र किसी वर्ग का पहला वर्ण सेम कंडीशन है प्लस तीसरा या चौथा वर्ण, यहां था कोई स्वर, यहां कहता नहीं तीसरा या चौथा वर्ण, इस कल को पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण। इस सूत्र को समझने की कोशिश करें किसी वर्ग का पहला वर्ण यानी क च ट त प में से कोई आएगा पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर तीसरा या चौथा वर्ण। देखो यह जो दूसरे स्थान पर जो वर्ण आएगा वह जिस वर्ग का पहला है उसका भी हो सकता है और किसी दूसरे वर्ग का भी हो सकता है, लेकिन यहां जो वर्ण आएगा वह तीसरा या चौथा वर्ण ही आएगा किसी वर्ग का, जैसे कवर्ग का ग
और यहां देखिए यहां पहला है क और यहां आया क मतलब कि तीसरा या चौथा जो वर्ण है दूसरे स्थान पर वो किसी दूसरे वर्ण का भी आ सकता है। उसको इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले स्थान पर किस वर्ण का वर्ण है, या किसी का भी तीसरा हो सकता है और किसी दूसरे वर्ण का भी तीसरा हो सकता है। आइए तब तीसरा वर्ण जैसे दिक जोड़ गज। अब देखिए यहाँ है तो क के स्थान पर आ गया क ख ग, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा जिस वर्ण का पहला वर्ण है उसी का तीसरा यहाँ है, उसी का तीसरा वर्ण आए। जैसे क ख ग दिक्कत सत जोड़ गति, देखो क ख ग सद गति, सत गति का क्या हो रहा सद गति, उद जोड़ घाटन क ख ग उद्घाटन। यहाँ देखिए सत जोड़ भाव, अब देखो यहाँ कौन का त और यहाँ है पवर का प फ ब भ चौथा, क्योंकि यहाँ मैंने कहा था तीसरा या चौथा तो यहाँ आ गया भ। अगर प फ ब यहाँ ब भी होता फिर भी इसका द ही होता, क्योंकि सूत्र कहता है किसी वर्ण का पहला वर्ण प्लस तीसरा या चौथा वर्ण तब पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण, यानी जिस वर्ग का पहला वर्ण है उसका तीसरा वर्ण यहाँ चला है। तो बच्चों कहने का अभिप्राय कभी हम लोगों ने दो सूत्रों की चर्चा की, दोनों सूत्र को मस्तिष्क में रखिएगा कि यदि पहले स्थान पर किसी वर्ग का पहला वर्ण है और दूसरे स्थान पर कोई स्वर वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है, फिर भी पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण चला आएगा।